सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से 5 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने जो भी स्टॉक इसी वीडियो पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने उसके लिए एक रूल का वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है। अगर आप रूल का वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले रूल का वीडियो को देख लीजिए। अगर उसी रूल के वीडियो के हिसाब से ये स्टॉक पे या निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपको ट्रेड करने के लिए एंट्री आ रहा है तो अभी आप उसी दिन वो स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड कीजिए। अगर किसी भी दिन रूल के वीडियो के हिसाब से ट्रेड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप उसी दिन वो स्टॉक पे या निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ट्रेड मत कीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो उसका नीचे एक लाल कलर का बटन है, वो बटन के ऊपर क्लिक करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमको कल कौन सा स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा, उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं। पहला स्क्रिप्ट पे मैंने बजाज फिनसर पे बाय के लिए बोला है, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 6173 पे आप बाय कर सकते हैं। देखिए, इसका करेंट मार्केट प्राइस 6169.10 पे है, तो जब ये थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा तभी आप इस पे बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस आपकी 6123 रहेगा, पहला टारगेट 6243 और सेकेंड टारगेट 6273 रहेगा। अगर आप बजाज फिनसर का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हैं 6198 पे बाय कर सकते हैं। इसकी करंट मार्केट प्राइस 6195 पे है और आपको स्टॉप लॉस 6148 पे रखना है, पहला टारगेट 6268 और सेकेंड टारगेट 6298 रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब स्क्रिप्ट टू के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट टू पे मैंने बजाज फाइनेंस पे बाय के लिए बताया है, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 2655 पे बाय कर सकते हैं और इसकी करंट मार्केट प्राइस 2654.7 पे है। स्टॉप लॉस आपको 2640 पे रखना है, पहला टारगेट 2675 और सेकेंड टारगेट 2685 पे रखना है। अगर आप बजाज फाइनेंस का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हैं 2656 पे बाय कर सकते हैं। इसकी करंट मार्केट प्राइस 2655.95 पे है। स्टॉप लॉस आपको 2641 पे रखना है, पहला टारगेट 2676 और सेकेंड टारगेट 2686 रखना है। तो चलिए दोस्तों, अभी थर्ड स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, थर्ड स्क्रिप्ट पे हमको ग्रासिम पे बाय करना है, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 750 पे बाय कर सकते हैं। इसकी करंट मार्केट प्राइस 747.8 है, तो जब ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा तभी आप बाइंग करेंगे और स्टॉप लॉस आपकी 743 पे रहेगा, पहला टारगेट 760 और सेकेंड टारगेट 764 रहेगा। अगर आप ग्रासिम का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हैं तो 752 पे बाय कर सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस 749.15, तो जब ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा तभी आप इस पे बाइंग करेंगे और आपकी स्टॉप लॉस 745 पे रखना है, पहला टारगेट 762 और सेकेंड टारगेट 766 पे रखना है। तो दोस्तों, ये था थर्ड स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस। चलिए अभी फोर्थ स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, फोर्थ स्क्रिप्ट पे मैंने HDFC बैंक पे बाइंग के लिए बताया है, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 2118 पे बाय कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस 2115.90 है और स्टॉप लॉस आपको 2108 पे रखना है, पहला टारगेट 2128 और सेकेंड टारगेट 2138 रखना है। अगर आप HDFC बैंक का फ्यूचर मार्केट पे बाइंग करना चाहते हैं 2123 पे आप बाय कर सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस 2120.3 है। स्टॉप लॉस आपको 2113 पे रखना है, पहला टारगेट 2133 और सेकेंड टारगेट 2143 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब स्क्रिप्ट फाइव के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट फाइव पे हमको हीरो मोटो को पे बाय करना है, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 2655 पे बाय कर सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस 2641.25, तो जब ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा तभी आप इस पे बाइंग करेंगे और आपके स्टॉप लॉस 2625 पे रहेगा, पहला टारगेट 2675 और सेकेंड टारगेट 2705 पे रखना है। अगर आप हीरो मोटोको का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हैं 2675 पे आप बाय कर सकते हैं और इसकी करंट मार्केट प्राइस 2660.55 है, तो जब ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा तभी आप इस पे बाइंग करेंगे और आपके स्टॉप लॉस 2645 पे रखना है, पहला टारगेट 2695 और सेकेंड टारगेट 2725 पे रखना है। तो दोस्तों, ये था पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस और मैंने ये पांचों स्क्रिप्ट पे बाय के लिए बताया है। तो चलिए दोस्तों, अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर कैसे मूव करेंगे उसके बारे में जानते हैं। देखिए, निफ्टी फ्यूचर का जो क्लोजिंग हुआ है 10,807 पे क्लोज दिया है। अगर ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा 10,830 पे आपको बाइंग करना है, स्टॉप लॉस आपकी 10,790 पे रखना है, पहला टारगेट 10,880 और सेकेंड टारगेट 10,930 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों, अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं।
देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो क्लोजिंग है 27,115 पे है, तो जब भी थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा 27,160 के आसपास आप बाय कर सकते हैं और आपकी स्टॉप लॉस 27,060 पे रहेगा। पहला टारगेट 27,260 और सेकेंड टारगेट 27,360 पे रखना है। तो दोस्तों ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस, जो आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर रूल को फॉलो करके कल आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।